Like a Hellcat. रोहित ने सर्विस डाली यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी पे। क्या ये बहुत ही घमासान मैच होगा, कांटे का मुकाबला होगा, ऐसा मुझे अभ्यास हो रहा है कि चावला टीम भी सजी हुई टीम है और लगातार खेलते हुए वो इस तरीके से सेमीफाइनल में पहुंची है। ये कवरिंग स्किल के रोहित पटले सर्विस करते हुए अपनी टीम के लिए वापस अपने कोर्ट पे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी हो, अनुभव सिर्फ खिलाड़ी। हेलो, चाहे सर्विस जितनी अच्छी ना हो जाएगा कि, मगर मैं आपको बता दूं कि डिफेंस बहुत बेहतरीन और बहुत तगड़ा डिफेंस है यहाँ पर। ये तो है जावला टीम का, मैंने आपको पहले ही बताया जी, जावला टीम का जो डिफेंस है बहुत तगड़ा डिफेंस है, बहुत शानदार। सही है सरीफ पहल, यहाँ बारी को आउट किया है डिफेंस। यहाँ आप लेफ्ट कॉर्नर को रोहित लीड कर रहे हैं और राइट में है जो भारत, दो नंबर के खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है और बहुत बेहतरीन सर्विस करते हुए यहाँ जावला के खिलाड़ी। क्या अंक निकाला है? पहले जावला ने अंक लिया है और ये अंकित यादव इसे सर्विस करने के लिए। इन्होंने पिछले कई मैचों में जो है इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन दिया है करीम पहलवान, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल सही है तीन जी, जी। ये प्रदीप नरवाल को एक जिंदा कर दिए यहाँ पर, यहाँ पर नाकामयाब। देखिए मैं आपको पहले बताया कुलदीप जी की डिफेंस बहुत तगड़ा डिफेंस है जावला टीम का। हाँ, और ये दो डाई है जावला के लिए, और जावला के लिए दो डाई, ये स्टार रेड है। हेलो, हाँ करीम चाचा एवं मेम भाई साहब जी, मैं कबड्डी के बारे में बताना चाहूंगा जी। भक्ति साहब, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी श्री श्री गजराज संपूर्ण चैतन्य बाल ब्रह्मचारी बाल योगी जी ने कबड्डी के बारे में हमें सत्संग में बताया था, और यहाँ पर सत्संग बताया था शरीर छोड़ती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसी तरह से कबड्डी का खेल है। बिल्कुल सही है, लगातार डिफेंस करती हुई यहाँ जावला टीम। मैं डिफेंस में बताया, टीम का खिलाड़ी जब मरता है तो दूसरे टीम का खिलाड़ी जिंदा होता है जी भाई। अब ये गुरुजी ने बताया था, बिल्कुल सही है, कबड्डी का खेल गीता सार से संबंध रखता है जी, क्योंकि एक अगर आउट होता है तो दूसरा खड़ा होता है, यही एक आत्मा का प्रवेश होता है जी। राजू भाई बहुत अच्छी बात है और आपका प्रवेश मुझे अच्छा लगा। राम सिंह चंद्रवंशी कोषाध्यक्ष जहाँ कहीं भी हो, बहुत शानदार यहाँ पर बहुत बेहतरीन निकाला यहाँ बोनस के साथ पे, बोनस के साथ यहाँ पे निकाला है। आज यहाँ पर हो बदगारी की वो लाइन में खोलना पड़ेगा तत्काल, क्योंकि जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और यहाँ ये बहुत टेकर था, इससे डेवलपमेंट की भागवान टेकर थे, ये बहुत ही मुश्किल है। ये जावना के स्टार रेडर है, स्टार रेडर में गिने जाते हैं क्योंकि ये घर जाना ये शोभनीय बात नहीं है भाई। बारी खान खाली चर्च करते हुए बारी खान समिति के सदस्य का अगर घर जाकर शोभा है शानदार, बेहतरीन अंगल होल्ड किया, सपोर्ट मिला यहाँ पर। मैंने आपका कुंजाम जी पहले ही बताया था कि डिफेंस बहुत तगड़ा है जावला टीम का, बहुत ही तगड़ा होता है, और ये समझ लो कि बिल्कुल ऑल आउट के कागज पर बनेगा टीम। यहाँ एक गोलू जो आपकी करीम पहलवान के सुपुत्र हैं, जो राइट कॉर्नर में कवर कर रहे हैं और लेफ्ट में जो है वह शानदार रेडर है। अब देखना है कि यहाँ टर्निंग पॉइंट होगी या नहीं, बचा पाची बचेगा टीम। राजू भैया ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर इनमें अंक लेके आए, बहुत बेहतरीन टर्निंग पॉइंट निकाला है यहाँ पर, टर्निंग पॉइंट हो सकता है मोनोकॉलम है बस, क्योंकि स्टार रेडर अंकित सुपर टैकल और है यहाँ पर। हाँ बटेकारी के लिए अगर सुपर टैकल होते हैं तो अंक मिलेंगे यहाँ बटेकारी को, लेकिन जामना से जो स्टार रेडर उन्होंने भी प्रयास किया यहाँ से अंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी नाकामयाब। पांच मैच हो चुके हैं फिर से, पांच मैच शेष है हाफ टाइम। मोनू काला ने जिस तरीके से अंक निकाला है बहुत बेहतरीन है, अपनी टीम को जिंदा रखा है उसने।
पहलवान, क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इसके पहले वाला? बिल्कुल मोनू, अगर टर्निंग पॉइंट निकालते हैं तो यहाँ टीम के पूरी जान आ सकती है। दो लाइन है और सुपर टैकल ऑन है, दोनों तरफ खतरा है। यहाँ डिफेंस को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए यहाँ पर जो होता है, और रेडर के ऊपर पूरा प्रेशर होता है। दो टच करने की कोशिश की थी यहाँ पर कर्नल को, और यहाँ बहुत अच्छा डिफेंस किया था यहाँ पर। और अंकित ने यहाँ ये टर्निंग पॉइंट काला कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, पॉइंट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बताई थी जंप मगर सपोर्ट मिल चुका है यहाँ पर, उन्हें ऑल आउट होती हुई जो अंक लिया है, पर दो अंक और उन्होंने दिया है। यहाँ टाइम आउट लिया बटेकारी ने, यहाँ बोनस दिया है और तीन अंक दिया है अपडेट दे दे। क्या लीड किया है कि कौन सी टीम ने? अरे तो यहाँ पे तो बहुत मेहनत और मशक्कत करना पड़ेगी अभी भटेगारी की टीम को, क्योंकि सात अंकों की बल से ऑल आउट करना होगा यहाँ भटेगारी टीम को। जावला की टीम को ऑल आउट करना बहुत जरूरी है, तब भटेगारी टीम लेट कर सकती है, कवर कर पाएगी। लेकिन जावला की टीम के जो खिलाड़ी हैं, पहलवान सर्विस करते हुए पूरी सूझ और बूझ के साथ यहाँ सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पर जावला टीम के खिलाड़ी को कॉर्नर पे। ये माइंड गेम है जामना के खिलाड़ियों को, मैं बता दे रहा हूँ, माइंड गेम खेलना है, बिल्कुल माइंड गेम खेलना पड़ेगा भी उनको अपने अंक बचाते हुए, और भटेखारी को पूरा जोर लगाना पड़ेगा अंक लेने के लिए। यहाँ दीप सिंह हुई के और अभी छह अंकों की बढ़त बनी हुई है भटेखारी के पास, जामना के पास में। मैं आपका नाम लेना ही चाह रहा था और आपने वो मिस किया, आपको क्या लेना चाहिए था, आपको बिल्कुल एडवांस नहीं लेना है। अभी बहुत टाइम है भटेखारी के पास में, बहुत अच्छा टाइम है। देखिए चौरासी नजर चुकी और यहाँ होल्ड कर लिए गए पहलवान। मैं बता दूं ये खिलाड़ी बहुत चतुराई से खेलना पड़ेगा अभी भटेखारी टीम को, इस टूर्नामेंट में सबसे खराब प्रदर्शन रहा, सबसे खराब। बहुत बढ़िया खेलती हुई जावला टीम डिफेंस में, जैसे कि कुंजाम जी मैंने आपको पहले कहा था कि डिफेंस बहुत तगड़ा डिफेंस है जावला टीम का जी, अधिकतर पॉइंट वो डिफेंस में ही दे रहे हैं। बारी खान को कम से कम दो मिनट से हाफ टाइम के, यहाँ हर रेडर को चलना पड़ेगा भटेखारी टीम के। यहाँ जजमेंट सिंगल के तरफ एक सिंगल नहीं करेंगे हमारे एम्पायर महोदय मैम भाई जी और करीम चाचा, और बहुत बेहतरीन मैच चलता हुआ दोनों ही टीमों का यहाँ पर। करीम चाचा जी और मैम भाई जी, मैं बताना चाहूंगा जी, रात का टाइम है और कभी एम्पायर से अगर मिसिंग भी होता और रेडर ने अगर अंक ले लिया है जी, कैचर को अपने आप बताना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ये खिलाड़ी भावना का परिचय है, ये अधिकारी द्वारा अटक किया गया है। राजू भैया द्वारा भी दो गाई है। राजू भैया जी जी आपका जो सपोर्ट दो गाई है बहुत अच्छी बात है, तीन अंक के लिए एक, ये अगर जजमेंट में अगर कमी होती है बहुत बेहतरीन चतुराई से यहाँ अंक बटोरा यहाँ पर। ये देखिए यहाँ एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं आऊँ, ये उत्कृष्ट गाड़ी के रेंज में आते हैं राजू भाई, क्या बोलते बिल्कुल सही है, यही खिलाड़ी भावना है और ऐसी खिलाड़ी भावना एक, और ये मैं आपको बता दूं कि ये सच्चाई का ईमानदार खिलाड़ी है, सच्चाई का ग्राउंड है, बड़ी खान भी सच्चाई का है यहाँ पर, इसलिए यहाँ हमें सच्चाई से ही काम लेना पड़ेगा। करीम चाचा बताना चाहूंगा कि खिलाड़ी के गुण ही होते हैं, खिलाड़ी अपने आप में ईमानदार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए और बहादुर होना चाहिए। बहुत बढ़िया यहाँ पर मनु ने अंक बटोरे हैं।
भैया आप तीन डिफेंसर आए थे, दो डिफेंस दिया आपको। एम्पायरिंग में और कमेंट्री में काफी अनुभवशील व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनका सह सम्मान करना है। हाफ टाइम की लाइव सर्विस है, बार बार बता रहा हूँ कि रात का टाइम में ये लाइव सर्विस कभी एम्पायर हाफ टाइम होता हुआ इस तरह से ईमानदार बता रहे हैं। ये इस तरह हाँ हाँ जी मैम बिल्कुल हकीकत है ये चीज के लिए मैम भाई डिफेंस और रेडिंग पे धनेकारी टीम है और डिफेंस में जावना टीम बहुत अच्छी डिफेंस कर रही है यहाँ पर। करीम चाचा और मैम भाई बताना चाहूंगा जी खिलाड़ी और खेल बारी खान चलेगी हारते नहीं, ये सुपर टैकल का सिचुएशन है और इस भावना को रखना चाहिए। बारी को बहुत सजगता से यहाँ पर पॉइंट निकाल के जाना पड़ेगा। खिलाड़ियों को सही है अपना बहुत यहाँ पर सिंगल कैचर का ना बेटा एम्पायर ये खिलाड़ी भावना है इसको कहते हैं खिलाड़ी भावना। हमारे एम्पायर ने एक मगर और इस तरह से राज भैया ये मैच प्रारंभ है और पूरे सात खिलाड़ी यहाँ भारत और दीप सिंह की जो और है और इस तरह से गोलू रन करने को लीड कर रहे हैं। दर्शकों को भी कहना चाहूंगा जी कि दर्शकों ने भी इतनी अच्छी शांति ढंग से समा बांध रखा है, उन्हें भी मैं निर्मल शांति गंगा आश्रम समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। अच्छा परिचय है ये बारी खान चार नंबर के खिलाड़ी स्टार राइडर हैं, ऑलराउंडर हैं। मैंने कई मैच इनके देखा राजू भाई बहुत अच्छे खेलते हैं, इतनी चुस्की मैम भाई बहुत अच्छे रेडर और यहाँ एक अंक का नितिन देशमुख की ओर से एक अंक दो ढाई है जावड़ा के लिए दो ढाई टू एंड ढाई के साथ में स्टार रेडर अपनी नीली पीली सर्विस करते हुए देखते हैं अपनी टीम के लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं। और खिलाड़ी ध्यान दें खिलाड़ी ध्यान दें भैया आप लोग ना बोले खिलाड़ी आप लोग ना खोले फोर खिलाड़ी ध्यान दें हमारे तीसरी आज जो है काफी मजे हुए आज जो है हमारे एम्पायर का डिसीजन है फरमाने होगा। अच्छा परिचय दे उत्कर्ष को चैलेंज कर सकते हैं मगर देवेंद्र पटले जो है उनको चैलेंज कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो भी बहुत अच्छा डिफेंसर और रेडर रहे हैं। बताकर मालूम है और आपको इसमें ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी टीम जीतेगी वो हमारी टीम जीतेगी, दोनों ही एक ही पंचायत की टीम है तो बराबर दृष्टि से देखेंगे दोनों टीमें हमारी हैं। और हमारे गोलू भैया बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं कि भैया मैं जनपद सदस्य हूँ क्या मालूम कौन सी टीम जीतती है क्या नहीं जीतती है क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र की दोनों ही टीमें हैं जावना और बटेकारी। हेलो हेलो यहाँ ऐसा लगता है कि दो अंकों की बढ़त है बटेकारी के पास में क्या और समय तीन अंक की क्या दो अंक लेके आएंगे यहाँ भटकारी टीम को बहुत सजगता से खेलना होगा। और मनुकाला दो डाई है दो एंडाई हेलो मनुकाला ने चैलेंज के लिया है दो डाई का बहुत बेहतरीन और इस तरह से यहाँ पर डिफेंस एक अंक के लिए लड़ाई दो ढाई जावना की भी यहाँ भी टू एंड आई और बोनस ऑन है बहुत बेहतरीन बारी ने यहाँ होल्ड किया जितने अच्छे रेडर है उतने अच्छे डिफेंस में उन्होंने काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलराउंडर खिलाड़ी ये खिताब ले सकते हैं। करीम भाई ये बारी का जो टैकल है ये जीत की और अग्रसर कर रहा है बिल्कुल सही है आपने बिल्कुल सही समझा कुंजाम जी। चार नंबर खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए कम है
मैं आपको बता दूं, अभी पसीना नहीं निकला है, पसीना जैसा जैसा निकलता है वैसा वैसा बारीक गर्म होता है। करीम पहलवान जी, पसीना मिट्टी में निकलता है, मैट में नहीं। मिट्टी की बात करें, हमारे बहुत से खिलाड़ी और भी है। 15-18 अच्छा जजमेंट मिलेगा यहाँ। सिंगल के सर, सिंगल के सर आउट का सारा। पूरा मसाला इस खिलाड़ी के ऊपर। चार नंबर के खिलाड़ी बारी खान सर्विस करते हुए माइंड गेम खेलेंगे। बारी खान बिल्कुल पॉइंट गेम खेलेंगे। सिंगल कैचर आउट, और फिर अपनी टीम के लिए राइट कॉर्नर खेलते हुए। यार ईट का जवाब पत्थर का हो रहा है, जवाब पत्थर से हो रहा है बिल्कुल। क्या बोलेंगे, सिंगल कैचर आउट हुए। ओपन चले बारी खान सर्विस करते हुए। इस मैच को अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालने की पूरी कोशिश। यहाँ बोनस ऑन है, बोनस ऑन है, समझ रहे हैं। छह खिलाड़ी दोनों तरफ, और बहुत अच्छा यहाँ पॉइंट लिया, दो अंक मिले यहाँ पर। बहुत बेहतरीन सपोर्ट, पहले मिस हुए थे मगर एंगल होल्ड बहुत जबरदस्त किया गया। करीम भाई, समय के अभाव चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत का पताका भटेखारी ने अपना झंडा लगा। और यहाँ सुपर टैकल है, बारी खान को बहुत सूझबूझ से रेड डालना पड़ेगा। सुपर टैकल अगर होता है तो दो अंक जाना को मिलेंगे। रिक्स लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि भटेखारी टीम अग्रसर होती हुई। ऐसा लगता है कि यहाँ 5 अंकों की बढ़त बनाई हुई है भटेखारी, उसे वो सेफ रख। बहुत ही जबरदस्त मैच यहाँ चलता हुआ और वापस अपने कोर्ट पे। क्या ये सुपर रेड हो सकती है? जब तक सुपर रेड नहीं होगी तो जामला टीम कवर नहीं कर पाएगी। दीप सिंह उइके, और यहाँ बारी ने गलती की है, बहुत ऊपर टैकल किया यहाँ पर, लेकिन एक अंक से संतुष्ट होना पड़ा, एक अंक से संतुष्ट होना पड़ा यहाँ पर जामला टीम को। 10 नंबर के खिलाड़ी जी, क्योंकि डिफेंस बहुत तगड़ा है यहाँ पर जामला का। यहाँ हर खिलाड़ी डिफेंस करता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि डिफेंस ना करता हो। ये बात तो है, कैच के मामले में जामना सबसे आगे। बहुत अच्छा रोहित ने अंक बटोरा अपनी टीम के लिए, और पुनः बारी को खड़ा किया है यहाँ पर। फिर मैच की लगभग समाप्ति की ओर, गोलू खान राइट कॉर्नर को, जो करीम पहलवान के बेटे हैं, 8 नंबर की इसमें रहे। ब्लॉक को टाइट हुआ है, शानदार यहाँ पर, शानदार गोलू, अग्रिम बधाई, ऐसी कैच करते रहे अगर, और इस तरह से मात्र दो मिनट मिलेगा, बोलना बचा हुआ है, दो मिनट का समय, बोनस इधर मिला है, इधर पॉइंट, और यहाँ सुपर टैकल का सिचुएशन है। क्या दोनों को लेके आएंगे रोहित? दो दो नहीं, 4 अंक मिलेंगे बेटा उसमें। हर रोहित को थोड़ा सा चतुराई दिखाना होगा, और नहीं तो 2 खो दे, चाहे 1 अंक खो दिया। सवाल पहले बताया था कि रोहित को अंक बचाना पड़ेगा। करीम भाई शानदार, आप बोले कि हर आदमी, हर खिलाड़ी एक डिफेंस करता है, बिल्कुल सही है। जावना के खिलाड़ी इतने अच्छे लगे पूरे टूर्नामेंट में, बिल्कुल डिफेंस में मानूंगा इस बात की तारीफ करूंगा कि डिफेंस बहुत तगड़ा डिफेंस है जावना का, तगड़ा डिफेंस है। हर खिलाड़ी इसमें डिफेंस करता है। चीते के माफी, एक मिनट से अगर यहाँ सुपर टैकल होते हैं बारी, तो और 2 अंक जावना के खाते में जोड़ेंगे। यहाँ थोड़ी सी चतुराई से काम करना पड़ेगा बारी को। क्या अलाउट करेंगे या 2 अंक देंगे? और 4 नंबर के खिलाड़ी बारी खान सर्विस करते हुए टीम को चकमा देते हुए, और टाइम वेस्ट करने की पूरी कोशिश।
और ये अपने कोर्ट में वापस। धीरे धीरे समय की समाप्ति करीम भाई, बिल्कुल सही है। एक अंक दिया है यहाँ पर और टाइम क्या बचा है, 15 सेकंड मात्र टाइम समाप्ति का, लगभग आखिरी समाप्ति का 15 सेकंड रेड हो सकती है ना। और ये क्रैश करके बारी खान टाइम पूरा करते हुए, मैं चाहूंगा करीम भाई नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से सर्विस आए जामला की, आने वाली टीम को बुला ले। बमली वर्सेस बिल्कुल आप बिल्कुल